साथियों, क्या किसी की किडनी खराब हो जाए तो फिर से वो ठीक हो सकती है? क्या किसी की किडनी अगर खराब हो गई तो पहले जैसा काम कर सकती है? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। जैसे ही आप किडनी का टेस्ट कराते हैं, आपके एफडी कराते हैं, आपका यूरिया क्रिएटिन का लेवल बढ़ा होता है, आपका हीमोग्लोबिन कम होता है। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपको अल्ट्रासाउंड में रीनल पैरेन्काइमल डिजीज दिखाता है। जब आप जीएफआर कराते हैं तो जीएफआर आपका बहुत कम आता है। आप भाग करके डॉक्टरों के यहां जाते हैं, डॉक्टर यही कहता है कि देखिए, किडनी आपकी खराब हो चुकी है, आपकी किडनी केवल 10% 15% काम कर रही है। अलग अलग तरह के बयान दिए जाते हैं कि आपकी किडनी इतना परसेंट काम कर रही है, उतना परसेंट काम कर रही है। आप घबरा जाते हैं और यह कहा जाता है कि अब यह किडनी दोबारा ठीक नहीं होगी, आपको ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। बहुत केस में तुरंत डायलिसिस के लिए रिकमेंड किया जाता है और आप डायलिसिस कराना शुरू कर देते हैं। ये नहीं बताया जाता है कि ये डायलिसिस कब तक चलेगी। ये भी नहीं बताया जाता है कि किडनी का अगर ट्रांसप्लांट हुआ तो यह क्या ट्रांसप्लांट की गई किडनी यह पूरी तरह से मेरे लिए सुरक्षित है। ये सवाल बहुत ही पेचीदे हैं। साथियों, मैं आज आप लोगों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही ईमानदारी से और वो भी प्रमाण के साथ प्रस्तुति दे करके मैं जो बात कहने जा रहा हूं, हो सकता है कि मेरी बातों से आपको खुद ही, जब उन डॉक्टरों से, खास तौर से बड़े बड़े जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, बड़े जो हॉस्पिटल में जो बातें डॉक्टरों ने की हैं, अगर आपको मेरी बातों से जब आप तुलना करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी देर कंफ्यूजन की स्थिति बने। लेकिन साथियों, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि जब आप हमारे ऐसे पेशेंटों से, ऐसे मेरे एविडेंस बेस्ड पेशेंटों से जब बात करेंगे, जब उनसे आप मिलेंगे, जब उनके द्वारा आपको बताई जाएगी, तो आपको जरूर लगेगा कि निश्चित रूप से जो होम्योपैथी की दवाएं, जो होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग जो मैं बात कहने जा रहा हूं, ये आप ध्यान से सुनिए कि अगर आपकी किडनी खराब है तो वो ठीक हो सकती है। बस साथियों, आपको बहुत ही धैर्यता, धीरता और गंभीरता से जो है मेरी बात को सुनना पड़ेगा। साथियों, मैं आज की जानकारी में आपको कुछ ऐसे लिंक जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैं दूंगा। आप देखेंगे कि मैंने कई तरह की जानकारियां आपको दी हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कहा जाता है कि प्रत्यक्षस्य किं प्रमाणम्। अगर आपको ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी 12, जिनकी किडनी 14, 13 हो गई थी, यूरिया का लेवल किसी का 200 से ऊपर हो गया हो, हीमोग्लोबिन 5-6 के आसपास रहता हो, जीएफआर 4-5 रह गया हो, अल्ट्रासाउंड में रीनल पैरेन्काइमल डिजीज पूरी तरह से डायग्नोस हो गई हो, डॉक्टरों द्वारा यह कहा गया हो कि नहीं, अब आपकी किडनी तो मात्र कुछ ही परसेंट काम कर रही है, ऐसे पेशेंट आज पूरी तरह से ठीक हो करके सामान्य जीवन जी रहे हो, उनकी दवा भी बंद कर दी गई हो, जब आप उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा? आपको यही लगेगा कि निश्चित रूप से होम्योपैथी दवा अपने सिद्धांतों के अनुसार कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी या सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरांटर के द्वारा कैसे आपको ठीक करती है। साथियों, हम भी अपने 22 साल के अनुभव की बात मैं करूं कि हम भी इस बात को लेकर के बहुत ही कंफ्यूज थे, लेकिन आप लोगों का भरोसा और आप लोगों का प्यार और आप लोगों ने जिस तरह से रुक करके दवा किया और 1, 2, 4, 10 नहीं, जब हजारों पेशेंटों की लिस्ट बन गई, तो मेरा भी मनोबल जो है बहुत ही बढ़ गया। तो
साथियों, मैं आज की जानकारी में बस इतने ही आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी अगर किडनी खराब हो गई हो, डॉक्टरों ने जो कुछ भी कह दिया हो, बिल्कुल घबराइए मत, इसलिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपका मनोबल। निश्चित रूप से साथियों, जब इस तरह की चीज होती है तो मन जो है थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाता है, लेकिन आप विचलित मत होइएगा। होम्योपैथी आपके साथ है, कल्याणम सेवा आपके साथ है, और निश्चित रूप से साथियों, मैं ईश्वर तो नहीं हूं, लेकिन जरूर कोशिश करूंगा कि आपको भी उन जैसे लोगों के कतार में खड़ा करूं जिन्हें ठीक करके सामान्य जीवन दिया गया है। आप पुनः मैं कह रहा हूं कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके और आप लोगों से बात करिए, और वीडियो मैंने जो आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया है उसको देखिएगा, आपको निश्चित रूप से एक संजीवनी की काम करेगा। साथियों, निश्चित रूप से ये आज की जानकारी हमारे ऐसे भाइयों की जिनकी किडनी में दिक्कत आ गई हो, जिनकी डायलिसिस हो रही हो, किसी ने ट्रांसप्लांट करा लिया उसके बाद भी किडनी गड़बड़ हुई हो, और तो और अगर वो डायलिसिस कराने जा रहा हो, यानी किडनी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आज की जानकारी देख करके तभी कोई निर्णय लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।